अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज आर्मी ने अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार 21 साल से कम उम्र वाले को सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही अविवाहित होने का भी सर्टिफिकेट देना होगा। दिसंबर में अग्निवीर के पहले बैच की भर्ती हो जाएगी, वहीं दूसरा बैच फरवरी में ज्वाइन करेगा। वहीं नेवी का नोटिफिकेशन कल और एयरफोर्स का 24 जून को जारी होगा। 5 साल में कुल 1.25 लाख अग्निवीरों की तैनाती होगी। सेना की अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। हालांकि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद की कॉल फेल हो गई है। कहीं भी आम जनता बंद के समर्थन में नहीं दिखी। बंद के दौरान पुलिस चेकिंग के कारण दिल्ली, नोएडा, दिल्ली हाईवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, आनंद विहार, सराय कालेखा, प्रगति मैदान और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। ग्रेटर नोएडा से GIP मॉल तक भी भारी जाम लग गया। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर 40 मिनट तक ट्रेन रोकी। बाद में पुलिस ने ट्रेन रोकने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं आंदोलन के कारण 181 मेल एक्सप्रेस और 348 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से मैं दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा अपने ग्रुप में अग्निवीरों को मौका देंगे। एक व्यक्ति ने उनके ट्वीट पर सवाल किया कि अग्निवीरों को कौन सी पोस्ट दी जाए। इस पर उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लीडरशिप, टीम वर्क और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अग्निवीर इंडस्ट्री को मार्केट रेडी सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे। PM मोदी के स्वागत के लिए सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। PM ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नवनिर्मित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। बेंगलुरु के बाद PM मोदी मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। यहां वो नादनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल सुबह PM मोदी मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।